एक्सरसाइज 3.2 के पहले जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिए हैं इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एग्जांपल 6 हमारा है कि यदि कॉस एक्स बराबर -3/5 हो और एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, और एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन बता देंगे, बस इसी से आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा आप बहुत आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसका जो बेसिक हम लोग समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद जो है बना बना के दूसरे को दे सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया है। कॉस एक्स की वैल्यू दी है -3/5, और एक्स जो कोण हमारा है वो दिया है कि तृतीय चतुर्थांश में है। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के फलनों के मान ज्ञात कीजिए, यानी कॉस एक्स पता है हमको, साइन एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स की वैल्यू बतानी है। तो कॉस एक्स इक्वल टू हमारा क्या दिया है, -3/5 ये हमारा दिया है। तो सबसे पहला काम इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस चिन्ह को हम लोग छोड़ देंगे, माइनस चिन्ह से हम मतलब ही नहीं रखेंगे कि जैसे इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो कॉस एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, 3/5 ये हम लोग मान के चलेंगे, यानी जो भी दिया होगा उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, जैसे कॉस एक्स यहाँ पे दिया है तो कहीं पे टेन एक्स दिया रहता है। अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, और एक कोण जो हमारा है एक्स ये हम लोग बना लेंगे। एक्स के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, लंब, और जो बाकी बचा ये हमारा क्या हो गया, आधार। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सॉरी, या कॉस थीटा को या कॉस एक्स को, ये क्या होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 3, और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 5। और इसको अगर हम लोग नाम दे दें ए बी सी, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग यानी ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यहां से हमको पता चल गया ए सी हमारा क्या है, 5 का वर्ग बराबर ए बी हमारा कितना है, 3 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ये 25 इक्वल टू 9 प्लस BC² यहाँ से BC² = 25 में से 9 गए 16, यहाँ से BC हमारा कितना आ गया, 16 का अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे वर्गमूल, तो ये आ गया 4, यानी ये हमारा जो लंब आ गया ये हमारा क्या आ गया, 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कोण है एक्स जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, ये बताया है पहले से कि एक्स हमारा कहाँ पे है, ये पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा। तो एक्स हमारा तृतीय चतुर्थांश है, तो तृतीय चतुर्थांश पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, आल पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा साइन, आल साइन टैन कॉस, ये हम लोग याद रखते हैं कि पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो वो भी पॉजिटिव होगा, ये हम लोग समझते हैं, और यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है तीसरे में, और ये आल साइन टैन कॉस ये हम लोग याद रखेंगे, पहले
पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो साइन याद रखेंगे कि पॉजिटिव, तो कोसेक ऑटोमेटिक पॉजिटिव क्योंकि 1/sin cosec। तीसरे में टेन, चौथे में कॉस, तो ये हमारा क्या है, एक्स हमारा ये तृतीय चतुर्थांश में है, यानी हमारा टेन पॉजिटिव होगा, यानी टेन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, और बाकी सारी वैल्यूज हमारी क्या होगी, कॉट कॉट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो हमारा जो है यहाँ पे हम लोग जो है साइड में लिख कर लेते हैं, हम लोगों ने जो जो त्रिकोणमितीय हमारा अनुपात दिया था कास एक्स इक्वल टू -3/2, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, प्लस मान लिया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण निकाला, जो है पद 3 हो गया, एक कर्ण 5 हो गया, लंब हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता चला। अब हम लोग लिखेंगे साइन एक्स, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो साइन एक्स हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है, 4 यूनिट है, ये हमारा 4, और कर्ण कितना है, 5, 4/5, और एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तो आल साइन टेन, केवल टेन पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब टेन पॉजिटिव होगा तो साइन की वैल्यू जो आई है वो क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। कॉस की वैल्यू तो हमारी वो दिया ही है -3/5, कॉस एक्स इक्वल टू -3/5, टेन एक्स की वैल्यू हम लोग टेन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है 4 और आधार हमारा कितना है 3, तो टेन एक्स बराबर कितना हो गया 4/3, और तृतीय चतुर्थांश की वैल्यू निकाल रहे हैं इसीलिए हमारा टेन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। काट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा 3/4, तो टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का उल्टा, तो -3/5 का उल्टा -5/3, और कोसेक एक्स हमारा साइन एक्स का उल्टा -5/4। तो ये सिंपल सी बात हो गई, यानी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है हमारा, कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कॉस एक्स दिया हो या टेन एक्स सेक एक्स कुछ भी दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को भूल जाएंगे, कॉस एक्स इक्वल टू क्या या किसी भी बराबर क्या लिखेंगे, ये सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब जिसकी वैल्यू दी है यहाँ पे कॉस एक्स बराबर 3/2, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हम लोग 3 हो गया और कर्ण हमारा क्या हो गया 5 हो गया, वैसे होना क्या चाहिए 3 × x 5 × x, लेकिन जब फिर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी एक्स का मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए सीधा सीधा इसको 3 और 5 ले लिए। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये आधार और कर्ण पता था तो लंब हमको पता चल गया, लंब हमारा आ गया 4। बस हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और हम लोग चिन्ह सबका कहाँ से डिसाइड करेंगे, पहले चतुर्थांश में अगर एक्स होगा तो सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन, चौथे में कास। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो तुरंत ही आप निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इस पे, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा दिया है कॉट एक्स इक्वल टू -5/12, और एक्स जो है, एक्स हमारा जो दिया है कोण, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, ये जो एक्स कोण हमारा है ये कहाँ पे है, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो कॉट एक्स दिया है और सब त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान ज्ञात करने हैं हमको, तो हमारा तरीका क्या है, कॉट एक्स बराबर जो हम लोग है इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, बाद में हम लोग अपना चिन्ह जो है एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा काम, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज का ए एंगल हम लोग क्या रख देते हैं एक्स, और ये हो गया 90, तो एक्स के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और 90 के सामने वाला कर्ण हो जाता है, और हमारा जो बाकी तीसरा है ये आधार हो गया। अब हमारा कॉट थीटा क्या होता है, ये लाल काका, ये हम लोगों को जो है याद होना चाहिए, लाल काका, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो काट एक्स हमारा क्या होता है,
आधार बटा लंब होता है हमारा, आधार बटा लंब। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 5 और लंब हमारा कितना हो जाएगा 12। अब हम लोग क्या इसको नाम दे देते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा के तीसरी भुजा निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाए तो जो कर्ण का वर्ग होगा यानी ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए सी हमारा कितना है, ए सी हमको चाहिए तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी हमारा कितना है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा ए सी स्क्वायर हो गया 12 × 12 = 144 हो गया और 5 × 5 = 25। तो ए सी स्क्वायर बराबर 144 = 25 169 और दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए तो हमारा ए सी क्या आ गया 13। इसमें भी हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे तो कर्ण हमारा कितना आ गया 13 आ गया। अब और त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग फटाफट निकाल लेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन एक्स होगा हमारा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना है 12 और कर्ण हमारा कितना है 13। चिन्ह हम लोग किस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि एक्स हमारा कहाँ पे है, एक्स हमारा जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं कि आल साइन, यहाँ पे क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव रखेंगे हम लोग। कॉस थीटा हम लोग निकाल लें, कॉस थीटा आधार 5 बटा कर्ण 5 बटा 13, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा कितना है 12 आधार है 5। अब टेन क्या देखते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, टेन क्या होता है आल साइन, केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव केवल होता है द्वितीय चतुर्थांश में क्योंकि एक्स हमारा क्या है द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय में हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं कॉस। तो ये कॉस को भी हम लोग क्या कर दिए नेगेटिव कर दिए और टेन को भी क्या करेंगे हम लोग नेगेटिव कर देंगे। कॉट एक्स की वैल्यू तो दी ही है और हमारा आप जो है साइन कॉस टेन कॉट कर दिया, सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स हमारा क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस एक्स -5/13 तो ये हो जाएगा उल्टा करेंगे -13/5। सेक कोसेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा ये साइन एक्स का उल्टा, ये 12/13 है तो ये 13/12। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बस यही हमको करना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दिया है उसको प्लस है माइनस हम लोग प्लस मान लेंगे और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण एक्स ले लेंगे और उसके बाद जो है जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उससे समकोण त्रिभुज की दो भुजा पता चल गई, तीसरी भुजा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू सीधा सीधा जो है ये लाल काका वाले फार्मूला से लिख लेंगे और एक्स जो हमारा दिया रहेगा कि कौन से चतुर्थांश में है उस हिसाब से हम लोग सबकी वैल्यू लिख लेंगे। और उसके लिए हमारा क्या है यहाँ पे क्या होता है आल पॉजिटिव, यहाँ पे आल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तो ये अगर आपको ये है तो ये आप भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट पहले चतुर्थांश में जो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले चतुर्थांश में जो है सभी पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आल का मतलब सभी पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, द्वितीय में केवल साइन और साइन पॉजिटिव तो हमारा कोसेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ये दोनों पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव तो टेन पॉजिटिव तो टेन का उल्टा काट होता है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव तो कॉस का उल्टा सेक होता है ये भी पॉजिटिव। तो ये सिंपल सी बात है यार, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं कि पहले में आल साइन टेन कॉस, ऐसे आप याद रखें आल साइन टेन कॉस, पहले में आल पॉजिटिव दूसरे में साइन, और ये भी ध्यान रखिए जहां पे साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा कोसेक होता है तो वो भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा तो टेन का उल्टा उसमें कॉट भी पॉजिटिव होगा,
और ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग सीधा सीधा जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक निकाल लेंगे, और चिन्ह हम लोग एक्स कौन से चतुर्थांश में है उस हिसाब से हम लोग जो है लिख लेंगे। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आप 200 क्वेश्चन बना सकते हैं कि टेन एक्स इक्वल टू -13/15, ठीक है, तो और त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करो जबकि एक्स हमारा दिया है चौथे चतुर्थांश में है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा।